अस्सलाम वालेकुम तालिबी मैम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी और आपकी छुट्टियाँ जो है वो बेहतरीन और मज़े से गुजर रही होंगी। आज जो है वो जमाए अव्वल का मज़मून है उर्दू, ठीक है। उसका सबक नंबर है 9, सबक नंबर 9 है जिसका उनवान है मेरा देश है पाकिस्तान। उसका हासिला के तालुक है तस्वीर देखकर मौजूद अशिया के नाम लिखें। मैंने जो है वो आपको तस्वीर दिखा दी, आपने इनकी जो नाम है वो एक रजिस्टर पे आपने लिखने हैं, ठीक है। ये अभी आप वीडियो को बंद करेंगे और इसको जो है वो घर में बैठ के रफ रजिस्टर पे इसको अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अहम और ले के हवाले से सादा मिसरे, अशआर और नज़्में सुनकर लुत्फ उठा सकें, ये आज हम करेंगे। और अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ो क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। इसलिए मैं बेटा हर रोज़ जो है हर मतलब इन कलमात को जैसे मैं यहाँ लिखे हैं बोल पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह, ये कलमात जो है वो मैं हर रोज़ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कल हमने जो काम किया था उसकी दोहराई कर लेते हैं। उसकी दोहराई के मैंने यहाँ लिखा भारी आवाज़ वाले हरूफ तहजी, हरूफ़ तहजी कौन कौन से हैं ये हमने कल कर चुके थे। इसी के हवाले से अगर मेरा देश है पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी से पहले मैं आपसे कुछ सवाल जो है वो डिस्कस करूँगी। कबल अज़ 28 सवाल आप हैं जो कि हम जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ उसका, जैसे अभी हम पढ़ लेते हैं हमारे मुल्क का नाम क्या है। मुल्क आपको पता है कि देश को कहते हैं, उसका जो है आपने नाम बताना है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका क्या होगा। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उसके बाद अगर मैं दूसरा सवाल देती हूँ, मैंने लिखा क्या आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने बताना है क्या आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो जी हाँ हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं बेटा। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका जो है वो टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड रेडी कर दिया आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अलामे सबक क्योंकि आज हम करेंगे, आज हम बेटा नज़्म को जो है वो बुलंद पानी से जो है वो पढ़ेंगे ताकि जो है वो हम जितनी भी मतलब नज़्म है हमें दी गई है आपके बुक पे है, सफ़ा नंबर होगा 97, ठीक है। ये नज़्म है इसमें दी हुई जो कि हम अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगी। इसकी रीडिंग हमने करनी है लेकिन उससे पहले बुक पे आपको जो है वो सबक के नीचे जो है वो खास अल्फाज दिए होते हैं, खास अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें से ये आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं झंडा, जुराए, रखवाले, जवान और लास्ट वाला है हिम्मत। हाँ जी, झंडा, जुर्रत, रखवाले, जवान, हिम्मत, ठीक है। खास अल्फाज थे इसी के नीचे जो है हम अपने सबक है रीडिंग, सफा नंबर जो है वो 97 है, नज़्म है आप लोगों की जो कि अभी आप लोगों ने देख रहे हैं कि ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। देश है पाकिस्तान, इस पर सदके मेरी जान, झंडा चांद सितारे वाला, सबसे ऊंचा सबसे बाला, ये है मेरे देश की आन, मेरा देश है पाकिस्तान। हम इस देश के हैं रखवाले, हिम्मत गैरत जुर्रत वाले, बच्चे बूढ़े और जवान, मेरा देश है पाकिस्तान। ये आपकी नज़म थी मेरा देश पाकिस्तान की जो कि अभी हमने पढ़ी है। इसके साथ अगर मैं आपको दूँ तो आपने बेटा एक सरगर्मी करनी है, अभी फरारी बोलती होगी एक एक ही होगी, तो मैंने लिखा कि आपने क्या करना है बेटा, पाकिस्तान का झंडा जो है वो आपने एक बनाना है रफ रजिस्टर पे और उसमें आपने रंग भरने हैं, ठीक है बेटा। उसके साथ अगर मैं कहूँ आपने ग्रुप में अगर सरगर्मी करनी है तो आप एक ग्रुप में भी सरगर्मी कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, ग्रुप ही सरगर्मी की यानी आप जो ग्रुप में भी कर सकते हो। तो ग्रुप में अगर आपको यहाँ पर मैंने दी नहीं थी, मैं आपको ओरली बताती हूँ, वैसे ही बताती हूँ, तो आपने जो है इसको घर में करना है। सारे बच्चे जो है वो मिलकर जो है आपने अपनी फैमिली में से भी कुछ बच्चों को ले सकते हैं, उससे उनके साथ मिलकर जो है आपने इस नज़म को मेरा देश पाकिस्तान की नज़म को जो है वो बुलंद पानी से आपने इसको पढ़ना है घर में, ठीक है। ये आपकी होगी सरगर्मी। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी मश्क पे आ जाते हैं, मेरा देश है पाकिस्तान जो था उसकी मश्क की बात कर रही हूँ। पेज नंबर है आपका 98, ठीक है, 98 है मश्क नंबर का। उसकी बात करें तो उसका मैं सवाल नंबर 1 अगर आपको बताती हूँ तो सवाल नंबर 1 है आपका जो कि अभी मैं आपको बताने लगी हूँ पढ़कर। सवाल नंबर इसका 1 है जो कि मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मस्कुरा नज़म बच्चों को सुनाएं और ज़ैल में दिए गए सवालात के जवाब ज़ुबानी पूछें। ये मैं अभी आपसे ये जो है ज़ुबानी सवाल जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कि ये वाला आप लोगों ने करना है। ओरली आपके वालिदैन भी आपको पूछ सकते हैं ये सवाल और आप उनको जो है वो जवाब देंगे, ठीक है। और अगर इसी के साथ देखें तो मैं सवाल नंबर 2 भी लिखा था जो कि आप लोगों ने अभी करना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें।
या आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया जो है वो MCQs हैं, मर्जी है जो कि आप लोगों ने अभी करनी है, ठीक है। ये वाली आप लोग करोगे, इसी के साथ साथ जो है वो मैं अगर आपको होमवर्क देती हूँ घर के लिए, तो आपका होमवर्क ये होगा कि आपने पाकिस्तान का नक्शा देखना है, ठीक है, और उसमें जो है आपने अपने सूबा और अपने शहर को तलाश करना, ठीक है। उसमें ये आपकी एक तरह की सरगर्मी भी होगी और आपका घर का काम